हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूडीएल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास एंड आई एम डीएल कुमार। नाउ टुडे वी आर डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और हम बात कर रहे हैं बेटा, देखिए पुष्प की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प के स्ट्रक्चर कैसी है, यदि मैं बात करूं कि पुष्प क्या है, तो पुष्प एक क्या है भी रूपांतरित रूपांतरित व निश्चित निश्चित वृद्धि वाला क्या है भी परो है। परो तंत्र नहीं, अपना रूप बदलकर और अपनी ग्रोथ को कंट्रोल करके फ्लावर में कन्वर्ट किया है या कन्वर्टिंग हुई है। तो फ्लावर एक मॉडिफाई क्या है भी सूट है, जिसने अपनी ग्रोथ क्या कर ली है, डिटरमाइन कर ली है। और ये परिभाषा जो थी दी थी वो प्रोफेसर गोथे नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि पुष्प एक रूपांतरित व निश्चित वृद्धि वाला परो है। देखिए पुष्प के कौन कौन से भाग है, तो यहाँ पर बात करें पेडिसल, जिसे अपन पुष्प व्रंत कहते हैं, पुष्प व्रंत, और ये पुष्प का डंटल है जिस पर ये पुष्प लगा होता है, यानी पुष्पावली व्रंत, जिसे ये जिस व्रंत पर पुष्प लगे होते हैं। और पुष्पावली व्रंत और पुष्प के मध्य जो डंठल है, इस डंठल को हम क्या कहते हैं भी, पुष्प व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्प व्रंत। यदि किसी पुष्प में पुष्प व्रंत उपस्थित है तो उसे सव्रंत पुष्प कहते हैं, और यदि किसी पुष्प में पुष्प व्रंत नहीं है तो उसे अव्रंत पुष्प कहा जाता है। तो ये है भी पुष्प व्रंत या पेडिसल। नेक्स्ट पार्ट हम बात करें भी थैलेमस, और इसे अपन कहते हैं पुष्पासन, और पुष्प के विभिन्न भाग इसी खुली हुई घुंडी नुमा रचना पर उपस्थित होता है। पुष्पासन एक तने का संघनित रूप है जो अनेक पर्वों व पर्व संधियों से बना होता है। तो ऐसे इसमें अनेक पर्व और पर्व संधियां होती है, ये पर्व संधि है, पर्व संधि, और ये क्या है भी पर्व है, और ये एक दूसरे के कॉम्पैक्ट नजदीक आ जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, और इससे थैलेमस का विकास हो जाता है, और थैलेमस पर ही पुष्प के विभिन्न भाग क्या होते हैं भी उपस्थित होते हैं। और इसमें हम पुष्प के मेन भागों की बात करें तो वो चार भाग होते हैं, और ये है के, ये है सी, ये है ए, और ये है जी। ये चार मुख्य भाग है जिन्हें हम कहते हैं के सी ए जी। ये के सी ए जी चार फ्लावर के मेन पार्ट्स है। इसके अपन बात करें एक एक की, तो देखिए यहाँ अपन बात करें सबसे पहले के जो है, इसे हम इसके एक सदस्य को यदि हम कहें तो उसको अपन सेपल कहते हैं या बाहें दल कहते हैं। ये हरे रंग के होते हैं और इनके ग्रुप को हम कैलेक्स या बाहें दल पुंज कहते हैं ये, ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेष होते हैं, कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं भाई। और ये पुष्प का प्रथम चक्र है, इसे हम पुष्प का क्या कहते हैं भी, प्रथम चक्र के नाम से जानते हैं। तो ये प्रथम चक्र है, और ये पुष्प के आवश्यक अंगों में नहीं है, सहायक अंगों के रूप में है। तो ये पहला सहायक अंग है पुष्प का, सहायक अंग। नेक्स्ट अपन बात करें तो वो है सी, इसके एक सदस्य को दल के पुंज कहते हैं, सॉरी एक सदस्य को दल कहते हैं, और समूह को दल पुंज कहा जाता है, यानी इसको सेपल सॉरी पेटल और कोरोला के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसे अंग्रेजी वर्णमाला के सी वर्ण द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ये कलरफुल होते हैं और मकरंद व गंध युक्त होते हैं, और फ्लावर का अति आकर्षक भाग है, जैसे ये लाल रंग के होते हैं गुलाब में, या हम बात करें सरसों में पीले रंग के होते हैं। तो ये अत्यधिक अट्रैक्टिव पार्ट्स के रूप में होते हैं फ्लावर के, जिससे फ्लावर की तरफ जो अनेक जो पराग करता है वो आकर्षित होते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म इनकी तरफ आकर्षित होता है। तो देखिए इसके एक सदस्य को
क्या कहते हैं भी, पेटल कहते हैं और ग्रुप को कोरोला कहते हैं और इसे सीप वर्ण द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों यानी के और जो सी है ये सहायक चक्र है, सहायक चक्र है। तो प्रथम सहायक चक्र तो क्या है भी, बाह्य दलपुंज, और द्वितीय सहायक चक्र क्या है भी, दलपुंज है। नेक्स्ट अपन बात करें ए, जिसे अपन कहते हैं एंड्रोसियम या फिर इसे अपन कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं भी, पुमंग। इसके एक सदस्य को पुंकेसर या स्टेरनियम कहते हैं और इसके समूह को पुमंग या एंड्रोसियम कहा जाता है। और इसके भी तीन भाग होते हैं। यदि मैं बात करूं, ये पराग कोष है, ये योजी है और ये पुतंतु है। चार तीन अवयव होते हैं इसके, ये पराग कोष, पराग कोष। और सेकंड भाग अपन बात करें तो ये योजी है, योजी, और ये है पुतंतु। इस तरीके से इसके क्या है भाई, चार तीन अवयव होते हैं, पराग कोष, योजी और पुतंतु। पराग कोष में चार लघु बीजाणु धानियां होती है जिसमें अनेक पराग कण भरे होते हैं। तो ये पुष्प का कौन सा जनन अंग है भी, नर जनन अंग है, इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। जो लास्ट भाग अपन बात करें, और यदि मैं बात करूं एंड्रोसियम की, तो यह पुष्प का कैसा चक्र भी, आवश्यक चक्र है, और इसे हम पुष्प का प्रथम आवश्यक चक्र या पुष्प का तीसरा चक्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नंबर एक तो ये हो गया, नंबर दो सी हो गया और नंबर तीन ये हो गया, परंतु ये नंबर तीन के रूप में आवश्यक चक्र का कौन सा है, प्रथम चक्र है। ये हम बात करें जो चौथा चक्र है पुष्प का, वो होता है भी जायांग। क्या होता है भी, जायांग, और इसे जी वर्ण द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके एक सदस्य को यदि हम बात करें, इसके एक सदस्य को, तो उसको स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर, या इसे अपन अंडक भी कहते हैं, अंडक, या इसे हम गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु पर्ण के नाम से भी अपन जानते हैं। और इसके समूह को जायांग कहते हैं और इसे जी वर्ण द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पुष्प का यदि मैं बात करूं, तो ये पुष्प का मादा जनन अंग है और इसके भी तीन अवयव होते हैं। ये होती है वर्तिकाग्र, जो गुंडी नुमा, चिपचिपी या हेयर लाइक या लॉब्स, यानी बहुत सारी पालियां इसमें हो सकती है। और ये होती है वर्तिका, तो ये तो हो गई भी वर्तिकाग्र जिसे अपन स्टिग्मा कहते हैं, और ये होती है वर्तिका जिसे अपन स्टाइल कहते हैं, और नीचे फूला हुआ भाग होता है जिसे हम कहते हैं अंडाशय। तो ये है अंडाशय और ये पुष्पासन हो गया। अंडाशय में ये अंडाशय भित्ति होती है, यानी यहाँ ये ओवरी और ओवरी वॉल होती है, इसमें ये ओवरी एक्सिस होते हैं, ओवरी एक्सिस और ओवरी सेप्टा होते हैं। तो ये तो है अंडाशय, अंडाशय भित्ति, और इस अंडाशय भित्ति में ये है भी अंडाशय पट, और ये है अंडाशय कोष्ठ, और इस अंडाशय कोष्ठ में अनेक ओव्यूल्स यानी गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी लगी होती है जिसमें एग सेल उपस्थित होती, अंड सेल पाई जाती है। तो ये है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसा मैंने कहा कि ये पराग कोष है और ये योजी होती है बेटा, और ये पुतंतु होता है, और ये इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और ये इसमें पराग कण भरे हुए होते हैं। तो ये तो था भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसके भी, फ्लावर के। तो ये था एक फ्लावर की कॉमन स्ट्रक्चर या डिफरेंट पार्ट्स। तो ये जो है प्रथम आवश्यक चक्र है, आवश्यक चक्र, और ये पुष्प का अगर मैं बात करूं द्वितीय आवश्यक चक्र है, ये द्वितीय आवश्यक चक्र है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।